आज हम रामायण के एक ऐसे महान किरदार के बारे में जानेंगे जिन्होंने श्री राम और रावण के युद्ध समाप्त होने से पहले ही पूरी रामायण अपने मुख से कह सुना दी थी और जिन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि उन्हें उनके पूरे हजार जन्मों का स्मरण ज्ञान हुआ था, अर्थात उन्हें उनके पूरे हजार जन्म याद थे और जो कि एक शराब के चलते कौवे के रूप में बदल गए थे, जिनका मुख तो कौवे जैसा प्रतीत होता है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य जैसा था, जिनका नाम है काकभुशंडी, जो कि बहुत बड़े शिव भक्त थे। पर आश्चर्य की बात तो यहाँ ये है कि फिर भी उन्हें शिवजी की क्रोध अग्नि में जलना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे काकभुशंडी और क्या है उनकी कहानी और आखिर क्यों उन्हें हजार बार जन्म लेना पड़ा। साथ ही ये भी जानेंगे दोस्तों कि भगवान शिव काकभुशंडी पर क्रोधित क्यों हो गए थे। काकभुशंडी को श्री राम व शिव जी के एक परम भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो कि एक कौवे के रूप में रामायण युद्ध के दौरान पक्षीराज गरुड़ को रामायण की पूरी कहानी सुनाते हैं। उन्हें एक ऐसा चिरंजीवी के रूप में वर्णित किया गया है जो हिंदू धर्म में कई युगों से अमर हैं और वर्तमान में भी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। काकभुशंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र यानी कि एक नीच जाति के घर हुआ था। उस समय वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन साथ ही वे दूसरे देवताओं के खिलाफ भी रहते थे। यहाँ तक अपने अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा भी करते थे। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका सारा जीवन ही बदल गया। एक बार की बात है जब अयोध्या में अकाल पड़ गया, उस समय काकभुशंडी अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। वहाँ वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके साथ रहने लगे। उस ब्राह्मण ने एक गुरु के रूप में काकभुशंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दिया। काकभुशंडी का अभिमान और भी बढ़ गया और इसी अभिमान के कारण एक बार उसी गुरु का अपमान पैच और इसी अभिमान के कारण एक बार काकभुशंडी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने उसी गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उन्हें श्राप दिया और कहा, हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जाएगा। सर्प योनि के बाद तू 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेगा। लेकिन काकभुशंडी के गुरु बड़े ही दयालु थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से अपने शिष्य काकभुशंडी के लिए क्षमा प्रार्थना की। तब उनके द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी करके ये कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा, इस शुद्ध को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म लेने में और मरने पर जो दुख व पीड़ा होती है वो इसे नहीं होगी और इसके पूर्व जन्म का ज्ञान भी नहीं मिटेगा। ये अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बनाकर रखेगा, जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। साथ ही मेरी कृपा से श्री राम के चरणों के प्रति इसे भक्ति भी प्राप्त होगी। फिर शिव जी के इस श्राप के बाद काकभुशंडी ने विध्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की और कुछ काल तक सर्प योनि में गुजारने के बाद उन्होंने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागते थे तो उन्हें उस शरीर को त्यागने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता था। साथ ही उनके प्रत्येक जन्म की स्मृति में प्रभु श्री राम की प्रति भक्ति भी बनी रहती थी। इस तरह 1000 योनियों में जन्म लेने के बाद अंतिम जन्म उन्होंने एक ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए फिर उन्होंने लोमस ऋषि से शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू कर दी। लेकिन जब लोमस ऋषि उन्हें ज्ञान देते तो वो उनसे हमेशा ही अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे और उनके इस व्यवहार से तंग आकर एक दिन क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उन्हें तुरंत श्राप देते हुए ये कह दिया, जा तू चंडाल पक्षी बन जा और एक कौवे के रूप में इधर उधर घूमते हुए तर्क वितर्क करते रहे। तब लोमस ऋषि के श्राप के कारण काकभुशंडी तत्काल ही कौवा बन गया। लेकिन क्रोधावश श्राप देने के बाद जब लोमस ऋषि को होश आया तो उन्हें अपने इस श्राप पर बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने काकभुशंडी को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसके साथ ही इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। लेकिन काकभुशंडी को शुरू से ही पक्षियों में कौवा बहुत भाता था और खुद कौवा बन जाने के बाद उन्हें अपने इस नए शरीर से प्यार हो गया। साथ ही भगवान श्री राम का मंत्र मिल जाने पर वे गदगद हो उठे और उसके बाद से वे कौवे के रूप में ही रहने लगे और इसी तरह वे काकभुशंडी के नाम से जग विख्यात हो गए। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशंडी एक परम ज्ञानी राम भक्त है जो कि आदि अनादि काल से राम जी की भक्ति करते आ रहा है और कलयुग के अंत तक वे एक कौवे के रूप में राम जी का गुण बखान करता रहेगा। बोलो जय श्री राम।